वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। बचपन में एक ट्रिक बनाया करते थे हम, ईंट पर नाच, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ता याद कर लेते थे। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और इसके खोजकर्ता थे टॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन और आर इस रा का मतलब होता है रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूट्रॉन और इसके खोजकर्ता थे चैडविक। तो आप इस ट्रिक से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ता याद कर सकते हैं। बचपन की एक ट्रिक है, इससे आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव लिखिए। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। आपको पेन पेपर लेकर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो की पीडीएफ नोट मैंने हमारे नेक्स्ट एग्जाम के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। आप नेक्स्ट एग्जाम के फेसबुक पेज से इस वीडियो की पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण जल के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अशुद्धियों के कारण जल के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है। तो आप ये याद रखें कि अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम लिखिए। ये रासायनिक नाम वाले क्वेश्चन भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये याद रखें, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का रासायनिक नाम लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कभी कभी ऑप्शन में केवल कैल्शियम सल्फेट ही दे देता है, तो आपको कैल्शियम सल्फेट पर ही टिक कर देना है। लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी देता है ऑप्शन में, तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पर टिक करना है और इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? अयस्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये याद कर लें कि कौन किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तो कांसा होती है तांबा और टिन, यानी कि कॉपर और टिन की मिश्रित धातु होती है, जिसमें तांबा होता है 88% और टिन होता है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्रित धातु है? पीतल होती है तांबा और जस्ता की मिश्रित धातु। तांबा इसमें अप्रोक्स 68-71% होता है और शेष क्या होता है? जस्ता। तो आप ये याद रखें कि पीतल तांबा और जस्ता की मिश्रित धातु है, जिसमें तांबा 68-71% के आसपास होता है और शेष जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? स्टील में 0.1-2% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील होती है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन की मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है,
और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाता है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है। तो आप ये याद रखें, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है वो मैं आपको बताता हूं। लोहा यानी कि आयरन, आयरन जब नमी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो आप उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है इसलिए इसका भार बढ़ जाता है। आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा ऐड होगी उतना ही उसका भार बढ़ जाएगा। तो आप याद रखें कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इन 15 क्वेश्चन में से पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। आप सभी वीडियोस और पीडीएफ नोट नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो आप इसे शेयर जरूर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।